नमस्कार, मु संगीता पंडा, सेंट्रल वर्किंग कमिटी मेंबर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आपण मैंने समस्ते जानते जितेबले तमिलनाडुर तंजावुर जिलार साक्रीढाट स्कूल रे जितेबले गोटे छात्री 17 वर्षीय छात्री लावण्य को धर्म परिवर्तन पर बाध्य करा जाकि से स्कूल कर्तृपक्ष द्वारा फोर्सफुल कन्वर्जन शिकार होगा पड़ता और जदि सी आग को पाठ पढ़ाक चाहूँगी ताहले ताकू धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अवलंबन करने बाध्य बाध्यतामूलक धर्म परिवर्तन रो शिकार होगा द्वारा लावण्य आत्महत्या करतिला एवं आत्महत्या करने समय तार जो वीडियो माध्यम से गोटे डेथ डिक्लेरेशन देतिला एवं स्कूल रो निर्दिष्ट दुई जन कर्मचारी नाम मध्य से उल्लेख करतिला जो मैंने ये धर्म परिवर्तन अति मात्रा रे बाध्य करते किंतु एत सब घटना घटीगला तमिलनाडु सरकार द्वारा ये इश्यू पर कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण नक जदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मैंने इश्यू को उठाया चाहते ये इश्यू मध्यम लावण्य को न्याय देवाई से चाहते से समय जितेबाला तमिलनाडु सरकार पाखे आम नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुश्री निधि त्रिपाठी आम नेशनल सेक्रेटरी मुथु रामलिंगम ए हरेकृष्ण अन्ना जितेबले आंदोलनरत अन्य 35 जन कार्यकर्ता सहित आंदोलन करते समय अगणतांत्रिक उपाय तमिलनाडु पुलिस द्वारा से अरेस्ट होगा पड़ी। आपण मैंने चिंता करें तमिलनाडु रे जो स्टालिन सरकार अच्छी डीएमके सरकार से कौली भाव छात्र शक्तिर स्वर को चापी देवा चाहिए। आपण मैंने देखूँ संविधान आमको अधिकार देती आम राइट टू प्रोटेस्ट आमर अच्छी आम जेकोसी उपाय आम आम गणतांत्रिक हक को जाहिर करने आम आम सरकार निकट में आम जनता हिसाब से जेहेतु सरकार आम द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नमेंट तेणु आम सरकार सरकार दाबी उपस्थापन करूँ आई संविधानिक अधिकार को मानि विद्यार्थी परिषद 36 जन कार्यकर्ता आंदोलन करते से समय अगणतांत्रिक उपाय अरेस्ट करा तमिलनाडु सरकार आपर डिक्लेरेशन दे एमती कौन भी दिन तमिलनाडु सरकार पाखे एमती कौन भी लोक आंदोलन करनते जो भाव में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता मैंने आंदोलन कर मु ये लाइव माध्यम आपण मानक मत जो मैंने शुणुवे समस्त को जनदेक चाहूँगी जो विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता सब गणतांत्रिक प्रक्रिय गणतांत्रिक पद्धति को मानि आंदोलनरत होता है और शांतिपूर्ण उपाय आंदोलन करते शांतिपूर्ण उपाय आंदोलन कर न्याय हासिल करता है जो जो इश्यू को लेकिन आम आंदोलन करूँ से इश्यू लास्ट मोमेंट पर्यंत विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता दृढ़ भाव सामना करता है और न्याय हासिल नाला पर्यंत विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के पछुंचा दिए ना। तमिलनाडु सरकार जो भाव स्पष्टीकरण दौरान निहाती रूप अगणतांत्रिक आम विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता हिसाब से तमिलनाडु सरकार को देखा चाहिए अगणतांत्रिक नुहे आपने जो भाव विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता कर 14 दिन रिमांड होम को पठे निहाती रूप अगणतांत्रिक विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता निहाती जवाब दबो तेणु आपण मानक लाइव माध्यम अनुरोध जो ऊपर जाइबा जो ऑनलाइन पिटीशन अच्छी आपको अधिक मात्रा रे साइन करंतु एवं समस्त को शेयर करंतु विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता फाइट लावण्य पई शीर्ष पर्यंत जारी रहइबो एवं एबीवी रो कार्यकर्ता माने लावण्य को न्याय न मिलवा पर्यंत एइबोले डॉटकर सामने तमिलनाडु सरकार को एवं ए जो इशू आपण माने देखु हिजाब इशू गोटे बड़ इश्यू से लावण्य गोटे छोट झी 10वीं श्रेणी क्लास टॉपर थी पाठ पढ़ापूल कन्वर्जन आसूनी तेणु आप विद्यार्थी परिषद मुझे सामिल हूँ आपने समस्त सामने नहीं पहुंचा आउ लावण्य भाई कौन भी झील कौन भी कौन भी भाई जमी फोर्सफुल कन्वर्जन शिकार न हो से आपण भारत जनसाधारण हिसाब से भारत नागरिक हिसाब से पदक्षेप ग्रहण करूँ एवं सरकार को मध्य मोर अनुरोध ये जो छोट छोट स्कूल स्कूल कौन कौन छोट छोट मानते गोटे गोटे कन्वर्जन रोट छोट हब आकार तेणु सरकार जो स्कूल मान जांच करूँ एवं कौटी कन्वर्जन करा मैंने जानते हैं संविधान को मानने राइट टू रिलीजन अधिकार देखिए पालन कर प्राक्ट कर प्रोफेस कर
ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ଜନ ସମ୍ବିଧାନ ଏଇଟା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ତେଣୁ ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ଜନକୁ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ହିସାବରେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ ନାହିଁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ମତକୁ ବିରୋଧ ନାହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନରୁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଦବାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସଫୁଲି ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଫୋର୍ସଫୁଲ କନଭର୍ଜନକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେବା ଦରକାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଷ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ କୌଣସି ମତକୁ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବିରୋଧ କରୁନି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଯୋଉ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଷ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଯଦି ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ଇସାଇ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ଲାବଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଭର୍ଜନ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଭର୍ଜନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଏଇ ମୋବିଲାଇଜେସନରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରେ ଦେଇଯାଇଥିବା ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ପିଟିସନ ତାକୁ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ